हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वाली एक और एक्साइटेड वीडियो के साथ आ चुका हूँ वापस। और आज की ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रिक के बारे में होने वाली है। तो आज का ये जो वीडियो है हमारा होने वाला है वीआईपी नंबर से रिलेटेड के बारे में। जी हाँ गाइस, आपने कभी कभी ऐसे नंबर से कॉल आते हुए आपके अपने फ़ोन में देखा होगा जिसका नंबर कुछ इस तरह से रहता है 98888, ऐसे इस तरह के मतलब नंबर रहते हैं, वीआईपी नंबर में आते हैं वो लिस्ट में। यानी कि वो नंबर ऐसा रहता है किसी को भी याद करने में काफ़ी आसानी होती है, उसको कहते हैं वीआईपी नंबर। यानी कि उसको इजीली उसको फर्स्ट जो अगर जो 4 डिजिट याद होगा, इसके बाद आपके जो ऐसे कॉमन नंबर होते हैं यानी कि सेम टू सेम नंबर रहते हैं, इसके लिए आपको वो नंबर याद रहता है। ऐसे नंबर कौन कौन लोग इस्तेमाल करते हैं वो आपको पहले बता देता हूँ। ऐसे नंबर वो लोग इस्तेमाल करते हैं यानी कि कोई कंपनी या फिर कोई ब्रांड हो गया, ब्रांडेड का मतलब समथिंग आके कोई कंपनी होगी या फिर कोई कस्टमर केयर हेल्प नंबर है। तो ऐसे नंबर वो लोग अधिकतर कंपनी वाले इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई वीआईपी आदमी हो गया तो ऐसे लोग हैं जो ऐसा नंबर इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी जो पहचान उनकी वीआईपी नंबर में होती है। तो ऐसे लोग काफ़ी वीआईपी नंबर इस्तेमाल करते हैं और उसमें से एक चीज़ बहुत काफ़ी काम की चीज़ रहती है जिसके ज़रिए आप उस नंबर को काफ़ी अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। मतलब उनका जो वर्ड है एकदम कॉमन रहता है यानी कि कुछ यूनिक टाइप का रहता है। फॉर एग्जांपल 98266 ऐसे कुछ नंबर आता है, इसके लिए आपको याद करने में काफ़ी आसानी रहती है। यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे चीज़ के बारे में यानी कि वीआईपी नंबर से और क्या मतलब होता है या फिर किस तरह से आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, क्या हम लोग उसको नॉर्मल लोग उसको वीआईपी नंबर को रिसीव कर सकते हैं यानी कि ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं और किस तरह से ले सकते हैं, सारे डाउट आपके क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। क्या आपको वीआईपी नंबर मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, क्या आप वीआईपी नंबर यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या वीआईपी नंबर के यानी कि प्लान अलग होते हैं, या आप सारे डाउट जो है क्लियर इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं गाइस आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आप वीआईपी नंबर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे कंडीशन है आपको कहाँ कहाँ से वीआईपी नंबर मिल सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप किसी स्टोर पर जाते हैं यानी कि समथिंग आपके रिलेटेड नियर में आप जिस कंपनी का सिम कार्ड लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आइडिया, वोडाफोन या फिर जियो, एयरटेल, जिस कंपनी का आप सिम कार्ड लेना चाहते हैं उन कंपनी द्वारा ये नंबर कभी कभी प्रोवाइड किया जाता है। वो लोग को ऑफिशियली बोला जाता है कि मुझे वीआईपी नंबर चाहिए तो वो लोग इसको प्रोवाइड करवा देते हैं, लेकिन उसके कुछ चार्जेस अलग होते हैं। यहाँ पे उसके चार्जेस कुछ ज़्यादा होते हैं, आपको बताना चाहूँगा। उसके चार्जेस समथिंग 1000 से स्टार्टिंग होता है, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं वो लोग, तो आपको यह बात ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको कहाँ से ले सकते हैं, ऐसी बहुत सारी वेबसाइटें हैं जिसके ज़रिए आप वीआईपी नंबर परचेस कर सकते हैं। वो लोग करते क्या हैं, ऑलरेडी उस नंबर को ये चालू करके रखते हैं, आपको सिंपली जिस कंपनी का आपको सिम काटती है उस कंपनी में आपको पोर्ट करना रहता है या आपको वार कोड एक लोग प्रोवाइड कर रहता है, यूपीसी कोड जिसको बोलते हैं, जिसको जिसके नंबर से आप मोबाइल नंबर को पोर्ट कर सकते हैं दूसरे किसी कस्टमर है। ऑलरेडी वो नंबर चालू रखते हैं वो लोग अपने मतलब उनके अंडर में वो नंबर रहता है। इसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उस नंबर को अपने यूपीसी कोड निकालते हैं यानी कि पोर्टिंग कोड निकालने के बाद वो पोर्टिंग कोड आपको शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ चार्जेस लेते हैं यानी कि वो नंबर कभी कभी 5000, 6000, 10000 तक वो नंबर आ जाते हैं यानी कि काफ़ी लंबी अमाउंट रहती है। समथिंग कभी कभी तो 500 में भी मिल जाते हैं, बट कभी कभी 5000 से 6000 तक 7000 तक मिल जाता है, यानी कि उसके लिए इतना भी अमाउंट पेड करना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपको वीआईपी नंबर चाहिए तो आप या स्टोर पर जा सकते हैं या फिर आपको किसी वेबसाइट पर ले सकते हैं या फिर ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं तो इनसे भी कहीं आप मतलब आप लोकल में पता कर सकते हैं कि आपके एरिया में कौन सा वीआईपी नंबर प्रोवाइड करवाता है, तो उससे वहाँ से भी आप हैंड टू हैंड ले सकते हैं। हालांकि इसमें ये रिक्स रहता है यानी कि इस चीज़ में यानी कि यूपीसी कोड में, कि अगर आपका नंबर जो है वो रिक्वेस्ट को कैंसिल भी करवा सकता है यानी कि उस नंबर को वो कैंसिल भी कर सकता है। अगर आप उसको अमाउंट पूरा पेड नहीं करते या फिर आपकी डील उससे पसंद नहीं आती है तो उस नंबर को डायरेक्ट वो कैंसिल भी कर सकता है और नंबर आप नहीं पा सकते। बट ऑफलाइन में इन सब की कोई भी रिक्स नहीं रहता है, या आप फिर स्टोर से लेते हैं तो भी आपको ऐसा कुछ रिक्स नहीं रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगली बात क्या करते हैं, उसका प्लान कैसे रहता है, तो उसका प्लान सेम टू सेम ही रहता है भाई। आप उसमें जो प्लान करवाएंगे जैसे नॉर्मल सिम कार्ड होता है उसका प्लान सेम टू सेम रहता है, उसका कुछ अदर चार्जेस नहीं रहता है। फर्स्ट टाइम चार्जर रहता है उसका परचेस करने का, बट उसका कुछ अलग से प्लान वगैरह नहीं होता है कि उसको कुछ अदर अलग से प्लान लेना पड़ता है महंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहें तो पोस्टपेड में भी ले सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगली चीज़ आती है कि क्या हम पोस्टपेड यानी कि वीआईपी नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जिससे आपको बता दिया 5000 से 6000 आपको नंबर के लिए पे करने पड़ेंगे। अगर आप इतना पे करना चाहते हैं
तो ज़रूर आप यूज कर सकते हैं। वीआईपी नंबर आप सबके लिए है, बट आपको मेरे हिसाब से वीआईपी नंबर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, कि वीआईपी नंबर परचेस करने में यार बहुत, मैंने एक नंबर परचेस किया था वो तो वीआईपी नंबर नहीं था, बट वो मेरे मतलब लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर था। उस नंबर के लिए मैं उसको 5000 पे किया था, हालांकि 5000 तो मैं नहीं पे किया था, कुछ कम ही किया था उसको, मैंने उसको 4-5 महीने समथिंग पोस्टपेड में किया था, इस बार प्रीपेड में चेंज किया था, तो उसमें मुझे समथिंग 3-4 हज़ार तक का खर्चा आया था, इससे ज़्यादा नहीं आया था। तो इसके लिए आपको वीआईपी नंबर के लिए काफ़ी मतलब पैसे प्रोवाइड करने पड़ते हैं, यानी एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं। अगर आप नॉर्मल नंबर लेंगे तो आपको उसमें काफ़ी रिचार्ज मिल जाएगा, यानी कि इसमें 2-4 साल 1-2 साल आप उसमें फ्री में रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं, अगर वीआईपी नंबर के लफड़े में नहीं पड़ेंगे तो। अगर आप फिर भी वीआईपी नंबर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें प्रोवाइड करती हैं, आप चाहें तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं वीआईपी नंबर की लिस्टेड में। आई होप दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद एंड वंदे मातरम।